पर है, तुम्हें अम्मा खड़ी हो गई, ये बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, बेटी को आने दो, लेकिन ये तो बता जब बेटी की शादी होगी तो दहेज का इंतजाम क्या भैया तू करवाएगा? मेरी आंखें खुल गई, मुझे लगा केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, और उपाय करने पड़ेंगे। और इसलिए मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहली योजना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने बनाई तो वो योजना थी लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया, मैंने अपने अफसर बुलाए और मैं कार्ड में ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी हो तो लखपति हो, मेरी सारी पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। मैंने कहा असंभव शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये होगा ही। और हमने योजना बनाई बेटी के पैदा होने के बाद 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद कर बिटा के माता पिता के हाथ में लेंगे और इसका पढ़ाई से हमने जोड़ दिया। इसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपए महीना और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटिया को मिल जाएंगे, बेटी लखपति होगी मध्य प्रदेश की धरती पर। सपना था कि बेटी लखपति हो, बेटी पैदा हो तो रानी लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, पहली से लेकर बाद की क्लास तक की किताबें शासकीय स्कूलों में, माता पिता को नहीं खरीदने देता, मामा मुख्यमंत्री है तो खरीद खरीद के भी माता भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी।